हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई किचन। साई किचन आज आपके लिए लाया है बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। अगर आपके बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं तो उन्हें ये खिलाने का सबसे आसान तरीका है। ये बहुत ही यमी और आसान सी रेसिपी है, यूट्यूब पे आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो आइए देखते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। गर्मा गर्म वेजी पूरियों के साथ परोसने के लिए सबसे पहले हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। गैस पर आप एक छोटा पॉट रखिए, उसमें एक चम्मच तेल डालना है, उसमें जीरा एक चम्मच, एक चम्मच राई छोटा वाला, हरे लहसुन और हरी मिर्च इसमें डालिए और इसे एक मिनट के लिए फ्राई कीजिए। उसके बाद इसमें हरे मटर के दाने आधी कटोरी, उसे भी थोड़ा भूनिए और उसमें चार कटे हुए बारीक कटे हुए टमाटर डालिए। उसमें नमक डालिए स्वादानुसार और उसे मिक्स कर दीजिए। अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है तो आप इसमें गुड़ डालिए, गुड़ की जगह पे आप शक्कर भी डाल सकते हैं। अब इसे ढककर कम से कम 5 मिनट के लिए पकने दीजिए, बीच बीच में उसे चेक करते रहिए और फिर ढक दीजिए और उसे पकने दीजिए। अब एक छोटी फूल गोभी को ग्रेट करके रख लीजिए। ये देखिए, ये ग्रेटेड फूल गोभी है एक कटोरी, आधा कटोरी बीटरूट, एक कटोरी बारीक कटी हुई मेथी, आधा कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक कटोरी पत्ते वाली प्याज मीन्स हरा प्याज और एक छोटी कटोरी बारीक कटा हुआ हरा लहसुन। अब एक बोल लीजिए और उसमें आपको एक कप पूरा भर के आपको गेहूं का प्योर गेहूं का आटा लेना है। उसमें एक चौथाई कप देखिए आपको सूजी डालना है और सेम उतना ही एक चौथाई कप बेसन। अब उसमें सारी जो हमने सब्जियां काट कर रखी थी वो इसमें डाल दीजिए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच धनिया पाउडर और ये है 2 चम्मच तिल, नमक स्वादानुसार, एक चम्मच तेल डालना है आपको इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि ये हरी सब्जियां हैं और हरी सब्जियां पानी छोड़ देती है, तो आपको इसमें पानी का यूज़ कम से कम करना है। आप देखिए, मैंने बहुत कम पानी यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये आपका डो गीला हो जाएगा और हमें गीला डो रेडी नहीं करना है। आपका डो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अगर ये हाथों में चिपकने लगे तो आप इसमें 1 चम्मच तेल डाल लीजिए और फिर उसे अच्छी तरह से गूंद लीजिए, उसका डो रेडी कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपका डो गीला हो गया है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा डो रेडी हो चुका है। अब ये टमाटर की चटनी देख लेते हैं, ये भी रेडी हो चुकी है। हम इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारे टमाटर की चटनी भी रेडी हो गई है। अब आइए पूरियां बना लेते हैं। इसके लिए आपने जो डो रेडी किया है उसका एक बड़ा हिस्सा गोला लीजिए और उस पर आटे की डस्टिंग करके उसकी बड़ी रोटी बना लीजिए। रोटी आपको इसकी बहुत पतली नहीं बनानी है, थोड़ा मोटा ही रखना है। सेम साइज़ की अगर आपको पूरियां चाहिए तो आप एक कटोरी लीजिए, ये देखिए ऐसी कटोरी, और फिर उसको उल्टा करके रोटियों के ऊपर रख के आप एकदम गोल गोल शेप काट लीजिए। ये देखिए इस तरह से जो बचा हुआ आटा है उसको आप वापस से रोल कीजिए और वापस से डस्टिंग करके उसकी पूरियां बनाइए।
इसी तरह से आप बाकी की पूरियां भी बना लीजिए। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम कर लीजिए कढ़ाई में और उसमें इसे डाल दीजिए। एक साथ कम से कम 4 से 5 पूरियां आप डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा ना डालिए। अगर आपकी कढ़ाई बहुत बड़ी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे पलटकर दोनों तरफ से सेक लीजिए। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपको इसे सेकना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमने इसे निकाल लिया है। उसी तरह से आप बाकी की पूरियों को भी फ्राई कर लीजिए। तो हमारी गर्मा गर्म पूरियां हो गई है रेडी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी भी होती है और स्वादिष्ट भी होती है। हम इसके पराठे भी बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है तो आप इसके पराठे भी बना के खा सकते हैं। अब इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ सर्व कीजिए। यकीन मानिए ये आपके घर में सभी को पसंद आएगी, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरी रेसिपी को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू।